जरूरत नहीं है। पता दिक्कत कितों होंदी है, जदों बंदा खुला बोलता है ते सच बोलता है ते सच ते पहरा देंदा है वो थोड़ा जिहा चुभदा है, वो थोड़ा कौड़ा लगदा है। कौड़ा हुंदा नहीं है, एक गल कहिंदे ने सच कौड़ा हुंदा है ना, कौड़ा नहीं हुंदा, वो हुंदा मिठा है पर लगदा कौड़ा है। इस करके ना वो थोड़ी मेरी जी आदत है, मैं जड़ी गल कहनी है सच मैं कह देनी है, मैं नहीं परवाह करता मेरे सच्चे सतगुरु तो डरदा। इस करके असीस बख्शी है धनवादियां फिर मैं अगेन पूरे परिवार दा पूरे नौजवानों दा और पूरे पिंड वासियों दा। आओ अगला प्रोग्राम बड़ा प्यारा और बड़ा मनमोहना भाई साहब भाई सुच्चा सिंह जी जिन्हां दे पहली वीर दर्शन कर रहे हैं साक्षात पर बचन इन्हां दे बा कमाल सुने निडालू वाले औरंगाबाद उत्थे उत्थे सुने ने जिथे जिथे मेरी हाजिरी नहीं सी उतों उतों मैं लाइव सुन हाजरिया नहीं सी ब्रह्मपुर पर मैं सुनता जरूर हाँ। भाई साहब जी वट कट देंगे ने एक एक इतिहास है जी ते पूर्वजों का इतिहास है जिन्हों साम के रखे भाई साहब जी ने समा इना नहीं हों तक पट खोल दे आओ उन्होंने हाजरी भरनी है जी देव असीस करो बखशीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। रिस्पेक्टेड गुरु ग्रंथ साहब माननीय विधायक जी से आप अभी वचन श्रवण कर रहे थे। मैं कथा शुरू करने से पहले सभी संगत को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक मिनट के लिए चुप का दान बख्शे। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हम जो सिख हैं यहाँ मनोरिटी में हैं, कम संख्या में हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों के लिए आरक्षण है। आप भी समझते हैं लॉज जितने यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री, सभी ऊंची आवाज में बोलिए सतनाम श्री। हम लोग सिख जो हैं इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं, बहुत अल्पसंख्या कम संख्या में आते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जितनी अल्पसंख्या जन जाति हैं उनके लिए आरक्षण है, उनके लिए रिजर्व सीट है। तो विधायक जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जितने हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं 10th प्लस 2 एमए बीए डिग्री वाले हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, उनको सरकारी नौकरी बोलिए मिलती है जी नहीं मिलती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी विधानसभा में आपके हलके में हमारे सिख बच्चे जो हैं अगर आप हमारे बच्चों को कोई सरकारी नौकरी दिलाएंगे तो हम समझेंगे कि आपका आना यहाँ सफल हो गया है। दूसरा ये जो जितना हरिद्वार का इलाका है दिल्ली का इलाका है ये सभी इलाका बाबा लखी शाह विणजारा के नाम पे है। जो सहारनपुर जमुनानगर पौंटा साहिब की 72 ग्राम की जमीन है 72 ग्राम गांव की जमीन बाबा लखी शाह वणजारा के नाम पर है। दिल्ली में बहुत सारे किले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली कनॉट प्लेस दिल्ली रकाबगंज की बहुत सारी जमीन है जो सरकार ने एक्वायर करके बाबा लखी शाह वणजारा की जमीन 1911 के एक्ट में वो सरकार ने अपने अंडर ले ली, लेकिन कोई भी प्रतिमा कोई भी मूर्ति बाबा लखी शाह वणजारा की वहां बोलिए जी लगाई है नहीं लगाई है। सो मिनट रोका, मैंने आपकी बात सुनी और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने वो इतिहास बताया जो मैंने कभी बचपन में पढ़ा था और उसको मैं भूल गया था। आज इस संगत में सब बैठे हैं और सब गुरु का रूप है। आपने जो मेरे से बात की है जो आपने मेरे से कामना की है मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। करवाने वाले तो गुरु महाराज हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं। आप जगह चुन लीजिए, ये मेरा वादा है। प्रतिमा ये आपका विधायक लगवा के देगा। बोले सो सोनिहाल श्री अकाल।